हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको जो है ना इसके अगले पेज में नीचे की साइड आपको ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग का, होम सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। अब आपको होम सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन लेआउट, ठीक है। होम स्क्रीन लेआउट पे सेलेक्ट करना है। अब आपका जो है ना इस तरीके से ये ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। पेज यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो ये 4x6 का बॉक्स मिलेगा और ये दूसरा 5x6 का बॉक्स मिलेगा। आपका इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे पहले आपका टिक मार्क लगा होगा पहले से ही, ठीक है। जैसे मेरा ये 5x6 पे टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं इन दोनों का यूज आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 5x6 पे टिक मार्क लगा हुआ है ना मेरा इस वाले पे, तो होता क्या है आपके मोबाइल फ़ोन के जो होम स्क्रीन होती है ना उसके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे अगर आप अपने कई सारे ऐप अगर रखते हैं ना, तो आपकी जो ऐप की जो देखिए 5x6 है, 5 का मतलब हो गया पाँच खड़ी लाइनें ऐप की, ये पांच खड़ी लाइनें 1 2 3 4 5, ये पांच लाइनें हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो ना हर पेज पे आपको पांच लाइनें मिलेंगी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स हैं तो, ठीक है। और ये जो 6 का मतलब क्या हो गया, 5 के इनटू में 6 दे रखा है, पांच लेटी हुई लाइनें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको जो है ना इस तरीके से आपका होम स्क्रीन लेआउट आपका दिखाई देगा, पांच खड़ी लाइनें और 6 लेटी हुई लाइनें, ठीक है, आपकी होम स्क्रीन पे ऐप्स की, ठीक है। और इसके यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये जो दे रखा है आपका 4x6 पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो है ना चार खड़ी लाइनें होंगी ऐप्स की, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और 6 लेटी हुई लाइनें होंगी, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और चार खड़ी लाइनें हैं। तो ये 4x6 इस तरीके से आपकी होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग काम करती है। यहाँ पर आपको जो भी बॉक्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसे आपको लास्ट में अप्लाई का नीचे की साइड ये अप्लाई का बटन दे रखा ना, इसे अप्लाई ज़रूर करना है, तभी आपकी ये सेटिंग जो है ना चेंज हो पाएगी होम स्क्रीन लेआउट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अपनी होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।